ये हमारा ससुराल है और 2015 में हमारी शादी हुई थी। अच्छा लगता है, अच्छा गांव है, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, सब कुछ है यहाँ पे, सब अच्छा लगता है। ये अभी मतलब 2 साल पहले, हाँ, जब मैं प्रेग्नेंट थी, पहला बच्चा था ना, हमारे यहाँ आंगनबाड़ी में एक मैम आई थी जिन्होंने वर्ल्ड विजन के बारे में बताया। होम डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, उनका कहना ये है बच्चों के लिए, उन्हें अच्छे से स्वस्थ रखना चाहिए, मतलब अच्छे से खाना पीना, अच्छे कपड़े। प्रेग्नेंट थी तो उल्टियाँ की वजह से मैं कुछ खा भी नहीं पाती थी, पी नहीं पाती थी। उन्होंने दवाई भी बताई कि हमें मतलब आंगनबाड़ी से लेना, जैसे उल्टियाँ नहीं बंद हो रही है तो आयरन कैल्शियम भी दिया। खाने के बारे में भी बताया कि कुछ हल्का फुल्का खाना लो, जैसे कि खिचड़ी हो, फल फ्रूट हुए, इन सब के बारे में बताया। आशा जैसे बच्चों को टीका का काम करवाते हैं, BHND में भाग लेते हैं, जो माताओं की बैठक भी करते हैं हम लोग, जैसे TB वगैरह का जो मरीज है, मरीज कोई जैसे कुष्ठ है, TB, हर रोग पे। पहले जब हम लोग टीकाकरण शुरू में करवाते थे तो एक घर में हम लोग दो तीन बार जाते थे और लोग आते भी नहीं थे। और वो खुद हम लोग से पूछते हैं कि टीकाकरण कब है या जैसे गर्भवती की जांच कब है, लेकिन अब वर्ल्ड विजन के साइड से मीटिंग होने लगी है तो महिलाएं भी घर से बाहर निकलने लगी हैं। किसी के घर में चलता है और आंगनबाड़ी तो बनी है लेकिन वो उसमें जानवर बनते हैं। बच्चों के लिए जैसे सोच के तो रखा है कि जैसे आंगनबाड़ी का भी सब अच्छा हो जाए, तो हम भी चाहते हैं कि जैसे वर्ल्ड विजन है आगे और हमारे साथ में काम करे कि हमारे गांव में भी बदलाव आए। बच्चों को भी नहीं लगवाते थे, गर्भवती माताओं को भी नहीं लगवाते थे, और तो और घर घर जाके टीका करना पड़ता था। अब तो इतना बदलाव है कि एक जगह सब लोग टीबी हो जाते हैं। आशा उससे बहुत फर्क आया है, वो बुला के लाती है एक जगह टीका। आपके आंगनबाड़ी उनका जीवन तो बहुत अच्छा होना चाहिए, उनका बच्चों का जीवन तो जब स्वस्थ रहेंगे जब ही तो अच्छा जीवन होगा। We are making small groups in the community where we are trying to mobilize the community, make them understand their rights, their entitlements, their responsibilities as a citizen of that particular village or that community.
Government has been taking so many efforts, but ultimately the challenge which the government faces is that they are not able to penetrate to the last mile. We are there in the field, in the ground, at ground zero, in the last mile to mobilize the people, to bring them to avail these services. Challenges in the life of our field team, working with very hard to reach communities, or maybe hard to touch upon. I believe there are challenges, but we are very confident enough that we can overcome those challenges through the efforts which the team is taking together.